जब हम जीते तो अमेरिका ने सियासत की है, जब ये जीते तो अवाम ने सिलेक्ट किया इनको। ये कहता है कुकरी चोर, ये कुकरी क्यों खाता, कुत्ते खाए। जो लीडर है वो आपको शऊर देता है और आपको एक मिशन देता है, ठीक है। वो लीडर ये नहीं कहता कि जी मैं आपको बिरयानी दे दूंगा, आपके घर में जाके मैं आपको आटा भेज दूंगा, नहीं। मोहब्बत ने पाकिस्तान की आवाम को क्या दिया। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी पीटीआई की जीत है, और क्योंकि सारों को नज़र भी आ रहा है वाजिया तौर पे जो हमारे वोट हैं वो उनसे ज़्यादा हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है पीटीआई वो विन करेगी। ये क्यों विन करेगी? इसलिए विन करेगी क्योंकि वो पाकिस्तान की हमदर्द है और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, वो हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, दीन इस्लाम की बात करते हैं। तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक पीटीआई को कामयाब। मोहब्बत ने पाकिस्तान की आवाम को क्या दिया? देखिए पता क्या बात है, मोहब्बत जो है ना वो जब तक नहीं ना होती दिल में, तो फिर हमारी जो आज़ादी का मामला था वो पाकिस्तान जब बना तब मोहब्बत ही दिल में तो पाकिस्तान बना। अब पाकिस्तान बचाएंगे भी वही जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, इंशाल्लाह वो खड़े होंगे और पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अवाम को एक चीज़ नज़र आ रही है कि इन लोगों ने लूटा के अपने एहसासे भर रहे हैं जो ख़त्म हो गए हुए थे इनके, जलील इन्होंने फ़कीर बन जाना था। मैं सिर ये आप इन दोनों बाप बेटा की शक्ल देख लें, फ़कीरों जैसी शक्लें इनकी, ठीक है। इनको कोई डिफेंस में नौकर नहीं रखता सर, शक्लों से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि पीटीआई ने, पीएमएलएन ने, टीएलपी ने हमारी आवाम को, आम आवाम को, सफ़ेद पोश को क्या दिया? आवाम को देखें जो पाकिस्तान तरीक इंसाफ ने दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया। अवाम को शऊर दिया, अवाम को उसके बाद जो हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको चलाया, ठीक है। और जो बाहर से जो टैक्स जमा किया वो सिर्फ पीटीआई ने किया, इनमें ज़रूरत ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पार्टी है वो गरीबों के लिए आगे काम कर रही थी। इन लोगों ने जिस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत ने अमेरिका की बातों में आके, ठीक है, ये बोल किया, ये बिरयानी खाने वाले लोग हैं। आपको लगता है शऊर से पेट भरते हैं? देखें जब तक शऊर नहीं ना होगा ना हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम अपने मुल्क में तरक्की कर सकते हैं। जब शऊर आएगा तो तब आवाम को पता लगेगा कि हमारे हक में क्या बेहतर है, ठीक है। ये रोटी ये सारा ये अल्लाह के हाथ में है। जो लीडर है वो आपको शऊर देता है और आपको एक मिशन देता है, ठीक है। वो लीडर ये नहीं कहता कि जी मैं आपको बिरयानी दे दूंगा, आपके घर में जाके मैं आपको आटा भेज दूंगा, नहीं। लीडर जो है वो शऊर देता है और इस लीडर ने हमें शऊर दिया है, और इंशाल्लाह हम जब अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे सारे मामला अच्छे होंगे और बेहतरी होगी। नहीं तो अभी तो ये है कि बिरयानी खा लो तो वोट दे दो जिस मर्जी को। राणा सनाउल्लाह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो इतना गंदा बंदा है, उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। उस बंदे पर हज़ार दफ़ा लानत। वजह क्या लानत भेजने उस बंदे की? ये वजह है कि वो बंदा, जो बंदा एक मीडिया पे आके मॉर्निंग शो में आके जो कहे कि मेरी बेटी बड़ा अच्छा डांस करती है, हम तो ऐसे बंदे को लानत भेजते हैं। वो तो बंदा है, ठीक है, उसकी तो हम बात ही नहीं करते। वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है ना, मतलब क्या आप उनकी सियासी देखे ना? वो पर्सनल लाइफ होती तो वो मीडिया पे गुफ्तगू ना आती। मैं अपनी बीवी की कोई आके पर्सनल चीज़ मैं मीडिया पे शेयर करूं वो तो अवामी बन जाएगी, ठीक है। तो आप अवाम की बच्चियों को ये कह रहे हो कि जी मेरी बेटी बड़ा अच्छा वो करती है, तो हम लोग भी वो इस तरह से करना शुरू हो जाए। क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है वो जीतेगी? इंशाल्लाह हम तो कह रहे हैं कि हमारा शहर ही जीतेगा अगर बेईमानी ना की जाए, क्योंकि अभी अंदर जाते हुए जो है ना उनको साथियों को, पीटीआई के साथियों को छोड़ा जा रहा था, हमें नहीं छोड़ा जा रहा था, हमें किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा था, ज़बरदस्ती खींच खींच के हमें बाहर कर रहे थे। तो हमें तो भरोसा है अल्लाह पे कि इंशाल्लाह ताला हम ही जीतेंगे, अगर बेईमानी ना हुई, धांधली ना हुई तो हम ही जीतेंगे। अभी क्या उसको जीतने के बाद आपको क्या लगता है क्या यहाँ के तासरात होंगे, क्या लोगों के असरात होंगे, क्या लोगों का क्या आपको लगता है कि क्या लोगों का जो रद्द अमल होगा? बहुत अच्छी है। तो अभी पीटीआई वाले भी अलहदा चीख रहे हैं, हम अलहदा चीख रहे हैं, लेकिन यहाँ ये लाहौर जो है ना ये हमजा का है और हमजा का रहेगा, ये कोई भी नहीं ले जा सकता। आपको लगता है नारोबाजी से कोई जीतेगा?
नहीं, नारेबाजी से तो कोई भी नहीं जीत सकता, लेकिन हमें ये जरूर ये सीट इसके है, इसी की रहेगी, चाहे जितनी धांधलियाँ कर ले, चाहे जितने वो कर ले, इंशाल्लाह ताला हम आएंगे। अगर अब नहीं आए तो जनरल उसमें ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये लाहौर जो है हमजा का है, शहबाज शरीफ का है, इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर आएंगे। अगर ये लोग बहुत कुछ कर लें, धांधली कर लें, जो कुछ भी कर लें, वो यहाँ पर बहुत धांधली चल रही है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, खींच वो हो रहा है, तो बस हम कह रहे हैं कि हम अल्लाह पर भरोसा है, इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी ज़रूर आएगी और हम जीत कर रहेंगे। अगर अभी नहीं जीते, हमने पहले भी उसको रिस्पेक्ट कर दिया था कि हम हार गए, वो हार गए, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला हम नहीं हारेंगे, इस दफ़ा हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। अम्मा क्या लगता है कौन बनेगा वज़ीर आला आज का? हमजा शहबाज, हमजा शहबाज जिंदाबाद, हमजा शहबाज जिंदाबाद, इंशाल्लाह ताला हमजा आएगा, हमजा आएगा। सीट से ज्यादा पीटीआई की है, हैं? सीट से ज्यादा पीटीआई की है, जाए कितनी भी हो, डाकू जो है ये उनको डाकू की सबसे बड़ा डाकू इमरान खान है। अच्छा बेटा एक बात सुने मेरी, ये कहता है कुकरी चोर, ये कुकरी क्यों खाता, कुत्ते खाए इसे अच्छा लगे, ये बड़ा डाकू है, गड़ी चोर है, जूता चोर है, इसको कहीं बच्चे इतने लेके आए पिट्ठू से, ये बदतमीज है, हम अपने नारे लगा रहे, वो अपने नारे लगाए, ऐसे नहीं बदतमीजी करनी चाहिए, करनी चाहिए खवातीन के साथ, बदतमीज है, बदतमीज है। सर आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर जो है, वो चीफ मिनिस्टर जो है, वो इंशाल्लाह ताला हमजा साहब आएंगे। और ये जिस तरीके के साथ कह रहे हैं ना कि सीटें हमारी ज़्यादा हैं, ये इनकी गलत फहमी है, इनके अपने ही जो एमपी हैं वो इनको कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम वो डाकू को, ये जिसको ये खुद डाकू कहते थे, आज ये उसको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, ठीक है ना, ये अपनी बातें भूल जाते हैं और कह रहे हैं कि जो सरदारी जो है वो किसी को 10 करोड़ दे रहा है, किसी को 15 करोड़ दे रहा है, चौधरी शजाद हुसैन को पैसों की ज़रूरत है, उसको 10 करोड़ की ज़रूरत है, और ये अपनी जब बात करते हैं, शरगपुरी की इनकी वीडियो जो सबने देखी है, जियो ने, ARY ने, सब ने चलाई है, और अपने का जिक्र ही नहीं कहते, जो कह रहा है हाँ जी जी शरगपुरी को पैसे दे दिए हैं, वो आगे जा कहता है हाँ जी जी दे दिए आपने, मेरे थ्रू दिए हैं, अल्लाह इज्जत रखेगा, सब कुछ रखेगा, उस वक्त इनको पैसे नहीं याद आते, और जिस वक्त इनके अंदर जो रहने वाले हैं MPA जो हैं, जिनको गैरत आ जाती है गरीब वाम को देख कर, और वो PMLN ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस वक्त वो लोटे हो जाते हैं, और जब इनकी तरफ जाते हैं तो वो ईमानदार हो जाते हैं। अलीम खान ईमानदार था, जंगीर तरीन बेईमान था, अलीम खान बेईमान था, सारे अब परवेज भाई डाकू था, अब ये सारे ही इमाम मस्जिद हो गए हैं, और हम लोग करप्ट हो गए हैं, अब ये जीते हैं लिबर्टी चौक में, और कहीं जौहर टाउन में, और कहीं कहीं इन्होंने खुशियाँ मनाई हैं, इलेक्शन कमीशन भी ठीक, पंजाब पुलिस भी ठीक, अदालत भी ठीक, जब ये जीते हैं, और जब हम जीते हैं वो उस वक्त सियासत कौन कर रहा है, अमेरिका, ठीक है, जब हम जीते तो अमेरिका ने सियासत की है, जब ये जीते तो अवाम ने सिलेक्ट किया इनको। सर क्या लगते हैं इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा? देखिए जी, इसका इलेक्शन का रिजल्ट तो सामने लिखा पड़ा हुआ है, अगर कोई मैलाफाइडी की गई तो कप्तान ने रात बिल्कुल क्लियर बता दिया है। देखें आज से पहले ये बंद कमरों में सब कुछ होता रहा तो लोग भी एक्सेप्ट कर लेते थे, किसी को पता नहीं होता था, अब पूरी कौम बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट पे देख रही है, 188 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, 178 इनके साथ है, 5 बीच में नहीं है, ये 173 के साथ 188 का कैसे मुकाबला करेंगे, इसलिए ये सारी एक माहौल ज़रूर पैदा किया जा रहा है। हकीकत में ये हार चुके हैं, IG का इस्तीफा, नए IG की तैनाती, उसका इनकार ये बता रहा है कि टांगे कांप रही हैं, इसलिए और कुछ नहीं रही है, और बाकी ये वक्त है, 2 घंटे की बात है, अभी सब कुछ क्लियर हो जाना है। अब अगली बात ये है कि जो 2-3 महीनों में इन्होंने जुल्म किया, अब बाजकश तो उसकी सुनी जा रही है, डर तो उस बात का है कि जो इन्होंने भेजा है वो काटने का वक्त आ गया है, अब लोग भाग रहे हैं, दौड़े लग रही हैं, अपनी जान बचाई जा रही हैं, सिफारिशें की जा रही हैं, हालात पैदा किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से आज का दिन गुजर जाए, ये दिन नहीं गुजरना, इसके लिए तहरीके इंसाफ के MPS बिल्कुल तैयार है, 2 दिन से वो अपनी गिनती बता रहे हैं, इनके पास 144 से ऊपर लोग अभी तक नहीं इकट्ठे हुए हैं, इसलिए कोई अनहोनी होने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है, क्लियर बात है कि परवेज लाई अगले 2 घंटे बाद पंजाब के, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वजीर आला होंगे। सर जरदारी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको आगे कहा है कि चेहरे बंद कमरों वाली बातें आप यहाँ हो गई हैं, जरदारी के मुँह पर जितनी बड़ी लानत आज पड़नी है जिंदगी में उसने नहीं देखी होगी, वो खरीदो फरोख्त करता रहा कमरों में बैठ के, कल पहली दफा उसे कैमरे में दिखाया गया, लोगों ने इनकार कर दिया है उसकी हराम की दौलत लेने से, इसलिए अब उसे डूब मरना चाहिए, अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए, अपनी बीवी के कातिल को बड़ी बहुत बड़ी नाकामी होगी इंशाल्लाह।